हेलो सीयूईटी स्टूडेंट्स, आपके सीयूईटी यूजी के रिजल्ट्स अब डिक्लेयर हो गए हैं, तो आई एम श्योर कि आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि आखिर अपने रिजल्ट्स को कैसे चेक करें। और आपके रिजल्ट्स में जो दो कॉलम्स हैं, पहला आपका परसेंटाइल स्कोर और दूसरा आपका नॉर्मलाइज स्कोर, आखिर ये क्या है, इसका क्या मायने है, कॉलेज के अंदर में किस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ये सारी की सारी चीज़ें इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि अपने सीयूईटी के रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे। सीयूईटी रिजल्ट चेक करने के लिए आप cut.samarth.ac.in की वेबसाइट पर जाइए और वहां जाके लॉगिन कर लीजिए। वहां लॉगिन करते ही जहां डाउनलोड एडमिट कार्ड का सेक्शन है, उसके ठीक ऊपर में आपको दिखाई देगा व्यू योर रिजल्ट्स। तो आप अपना रिजल्ट व्यू करके उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। तो ये तो था सिंपल सा स्टेप जिसके थ्रू आप अपने CUT के रिजल्ट्स को देख सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि सर, इसमें जो नॉर्मलाइज स्कोर है और इसमें जो परसेंटाइल स्कोर है, हमारे लिए क्या ज़्यादा रिलेवेंट है। देखिए, नॉर्मलाइज स्कोर आपके एक्चुअल स्कोर से डिफरेंट हो सकता है। नॉर्मलाइज स्कोर के अंदर में हर किसी का, क्योंकि पेपर अलग अलग दिन हुआ था, तो एक एवरेज स्कोर निकाल लिया गया है, ये देखते हुए कि अगर किसी का पेपर टफ था उसके अंदर में सभी का कम आया था, और किसी का पेपर इजी था उसी में सबका पेपर ज़्यादा आया है, तो उसको अकॉर्डिंगली एक एवरेजिंग कर दिया गया है दोनों ही पेपर्स को। तो उसके बेसिस पे जो आपका एक्चुअल स्कोर है और जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो डिफरेंट हो सकता है। आपका जो एक्चुअल स्कोर आपने अपने प्रोविजनल की से चेक किया होगा और जो नॉर्मलाइज स्कोर है, दोनों में अंतर हो सकता है। सो उसको लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, नॉर्मलाइज स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम योर एक्चुअल स्कोर्स। दूसरी चीज़, इसके बाद आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो आपको इंडिकेट करता है कि आप कितने परसेंट बच्चों से आगे हैं। अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 89 है, दिस इंडिकेट्स कि आप 89% बच्चों से ज़्यादा मार्क्स आपने स्कोर किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉर्मलाइज स्कोर और परसेंटाइल स्कोर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको कैसे करके इवेल्युएट करना है, देखिए, आपको आपके कॉलेज में एडमिशन मेनली आपके नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे होता है। मान लीजिए अगर एक कॉलेज है जो कि 3 सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, से फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट, तो आपको इन तीनों ही सब्जेक्ट्स का स्कोर ऐड कर लेना है। आपका जितना अकाउंट्स में स्कोर है, जितना आपका बिजनेस स्टडीज में स्कोर है, जितना आपका जनरल टेस्ट में स्कोर है, इन तीनों के स्कोर को आप ऐड कर लीजिए और वो जो स्कोर आएगा उसी के बेसिस पे फिर आपका एडमिशन होगा। परसेंटाइल आपको कहीं ना कहीं ये जज करने में हेल्प करेगा कि आप कितने परसेंट लोगों से आगे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लग पाएगा कि हाँ, आप कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर 80 अबव जैसे परसेंटाइल है तो एक अच्छा खासा स्कोर माना जाता है कि हाँ, यू हैव डन प्रिटी वेल जॉब। तो आप एक बार ज़रूर से शेयर करिएगा। बाद बाकी कॉलेज वाइज कट ऑफ्स क्या क्या जा सकते हैं, किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ आएगी, सब कुछ हम लोग इस चैनल के अंदर में शेयर करेंगे। आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना है। कोई भी और डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करिएगा, हम लोग समय मिलते ही उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।